स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फास्टैग पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे बच्चे के बारे में जिसने पूरे YouTube पर धूम मचा रखी है, जो पूरी दुनिया में फेमस होने वाला है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, किसी भी सेलिब्रिटीज के बच्चों को पैदा होते ही पूरी दुनिया जानने लगती है, लेकिन हज़ारों ऐसे बच्चे हैं जिनमें टैलेंट भी अच्छा होता है लेकिन वह आर्थिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसा चमत्कार होता है कि गरीब लोगों के बच्चों को भी पूरी दुनिया जानने लगती है। ये है आप लोगों की ताकत और सोशल मीडिया की ताकत। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही हुआ है बचपन के प्यार इस सॉन्ग से। बचपन का प्यार में इस बच्चे ने जिस प्यार भरे अंदाज से इस गाने को पेश किया है, उसका हर कोई दीवाना हो गया है। सोशल मीडिया पर बचपन का प्यार मेरा भूल न जाना रे गाना काफ़ी वायरल हो रहा है और ये गाना हर किसी की जुबान पर है। लोग इस गाने पर वीडियो शूट करके पोस्ट कर रहे हैं और काफ़ी इंजॉय भी कर रहे हैं। इस बच्चे का नाम सहदेव कुमार दिर्दो है, जो कि छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के उर्कापाल गांव का रहने वाला है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र पेंदल नार स्कूल में सहदेव ने पाँचवीं कक्षा में पढ़ते वक्त 26 जनवरी की तैयारी के दौरान ये गाना गाया था। एक टीचर के कहने पर सहदेव ने यह गाना गाया और किसी ने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन तब से इसे किसी ने नहीं देखा और अब ये गाना पिछले कुछ दिनों में ही इतना वायरल हो गया कि सहदेव अब पूरे देश में छाया हुआ है। एक इंटरव्यू के दौरान सहदेव ने बताया कि उनके घर टीवी मोबाइल जैसी चीज़ें नहीं हैं। पिता गुड्डे राम दिर्दो पेशे से किसान हैं। सहदेव की माँ दिर्दो गंगे की 5 साल पहले मौत हो गई। सहदेव की 4 बहनें और 2 भाई हैं। सहदेव ने बताया कि वे हमेशा दूसरों के मोबाइल से गाना सुनते हैं और स्कूल में गाना भी दूसरे के मोबाइल में सुनकर गाया था। सहदेव का कहना है कि वह बड़ा होकर सिंगर बनना चाहते हैं। आपको बता दें, बचपन का प्यार गीत असल में गुजरात के कमलेश बरोट ने गाया था। इसे सुनकर सहदेव ने उसे याद कर लिया और वीडियो वायरल होने के बाद सहदेव मशहूर हो गया। इस वीडियो पर लाखों रील्स और फनी वीडियोज बन चुके हैं। हाल ही में बॉलीवुड सिंगर बादशाह ने सहदेव से वीडियो कॉल पर बात की और उसे मिलने चंडीगढ़ बुलाया। सहदेव के गाने के फैन बॉलीवुड तो हुआ ही है, अब सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस गाने के फैन हो गए हैं।